हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता आज आपके लिए लाई हूँ लामा फेरा का वेट लॉस का प्रोसीजर। लामा फेरा की ये जो वीक चल रहा है इसमें 7 से 8 वीडियो मैं देने वाली हूँ, क्योंकि कई लोगों क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें कैसे करना है, इसमें कैसे करना है। सिंबल हम शो नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि अगर आपने किया है तो आपके पास सिंबल होंगे, और अगर आपने नहीं किया है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका उन सिंबल्स को देखने का, क्योंकि बिना अटूनमेंट वो सिंबल वर्क नहीं करते। अब हम, क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी होती है, वर्क नहीं करते, ये गलत वर्ड मैंने यूज़ किया, क्योंकि उनकी ऊर्जा ऐसी होती है कि हम उन्हें बिना दीक्षा के झेल नहीं सकते, ये चीज़ समझे, मतलब आप समझ गए होंगे, कंपैटिबल नहीं होते हैं, नुकसान हो सकता है आप। अब मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ, यहाँ पर सिंबल के नाम नंबर लूँगी। अब कोई भी आपको सिखाता है, कहीं से भी आपने सीखा है, तो लामा फेरा के 1 से 12 तक के सिंबल जो हैं सबका नंबर सेम है, जैसे फर्स्ट सिंबल जो है, सेकंड सिंबल जो है, वही रहेगा, कोई भी सिखाए आपको वही सिखाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ मैं सिंबल के नाम लूँगी, तो पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, और मेरी बुक भी आ रही है इसकी, आप अपना बुक कराना चाहें तो बुक भी करा सकते हैं। बुक में क्या क्या है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा और ऐड कर रही हूँ बुक में, वो भी मैं आपको थोड़े तीसरी या चौथी वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या है उसमें। खैर, अभी हम यहाँ पे ये वाला प्रोसीजर लेते हैं। आप पेन कॉपी रख सकते हैं साथ में, नहीं तो आपको बार बार सुनना पड़ेगा, अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला क्या है, ये जो मैं वीडियोस देती हूँ उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको किसी मास्टर ने आपको गलत सिखाया है, ऐसा नहीं है। जब हम किसी फील्ड में आते हैं तो हम हीलिंग करते हैं, तो हमें भी इंट्यूशंस आते हैं, तो सब कुछ ना कुछ नई प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उनको इंट्यूशंस आती हैं। तो मेरा ये सब वीडियोस देने का, रेकी टिप्स की वीडियोस देने का, रेकी टिप की बुक लिखने का यही मतलब है कि आपको सब टीचर्स से सीखना चाहिए, क्योंकि सबके पास अलग अलग ज्ञान है, सबका अपना अपना इंट्यूशन है, सबके अपने अपने प्रैक्टिस है, तो वो चीज़ें ये है ही इंट्यूशन पावर पे, अपनी विजुलाइजेशन पावर पे, तो वो सब जैसे खोज होती रहती है चीज़ों की, वैसे ही इसमें भी ये खोज होती है। तो चलिए अब हम लाते हैं, मेरे मन में ऐसा कुछ आया तो मैंने बोल दिया। खैर, सबसे पहले आपको लेना है 2.5 फेरा, वो तो लेना ही है। फिर पहला चिन्ह बनाना है आपको थर्ड आई पर और हार्ट चक्र पर। जैसा कि आपको मालूम ही है, ये पूरा प्रोसीजर जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही है, ये थर्ड आई और हार्ट चक्र पर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका दूसरा सिंबल है उसे बनाना है। वो हम कैसे बनाते हैं, थर्ड आई पे, हार्ट चक्र पे, घुटनों पे और पैरों के तलवों पे, ठीक है। यहाँ 4 जगह पे बनाना है। अब अफर्मेशन क्या देना है, ध्यान से सुनिए। अफर्मेशन देना है वजन से रिलेटेड सभी अनवांटेड ऊर्जा बाहर जा रही है। आपको देखना है कि आपके घुटनों पर वो जो अनवांटेड वेट है, अनवांटेड एनर्जी है वेट के रूप में, एक्स्ट्रा वेट के रूप में, जिसे हम चर्बी कहेंगे या जो भी वो, और नेगेटिव एनर्जी जो भी है उससे रिलेटेड, चक्रों में, ऑरा में, कार्मिक में, डीएनए में, किसी भी से जगह पर, वो सारी की सारी जो है यहाँ इकट्ठी हो रही है, और उसके बाद घुटनों में से, पैरों से निकाल देना है। ये प्रोसीजर आपको सिखाया गया होगा। तो मेन यहाँ पर अफर्मेशन है, प्रोसेस इस सिंबल का आपको सिखाया गया होगा कि आपको अफर्मेशन देना है कि जो एक्स्ट्रा वेट, वेट बढ़ने का जो भी रीज़न है, वो भले वो डीएनए है या कार्मिक है या फिर आपका जो एक्स्ट्रा फूड खाना है या जो भी रीज़न है, वो इकट्ठा होकर पैरों के थ्रू बाहर जा रहा है। फिर तीसरा स्टेप क्या है कि थर्ड आई पे और हार्ट चक्र पे तीसरा सिंबल बनाना है, तीसरा सिंबल थर्ड आई और हार्ट चक्र पे, और आपको अफर्मेशन देना है। अब आपका वजन जितना आपको चाहिए उतना लिखना है, आपका वजन इतना है, आप स्वस्थ खाना खाएंगे अब और व्यायाम करेंगे। यहाँ पर आप ये अफर्मेशन देंगे। फिर आपको अफर्मेशन देना है, फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ और फिफ्थ सिंबल, ठीक है, नाभि पर बनाएं। जैसे फोर्थ सिंबल आपको पता है थ्रोट चक्र से और रूट चक्र तक बनता है, और पांचवा सिंबल जहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है वहाँ बनता है और नाभि पे बनता है, तो नाभि पे बनाएंगे।
और अफर्मेशन देंगे कि ये जो फिफ्थ सिंबल है उसका नाम लेंगे, ये फैट चुंबक है, चर्बी चुंबक है और सब जगह से चर्बी को अपनी तरफ एकत्रित करके इकट्ठा कर रहा है। और जब आपको लगे कि सारी फैट इकट्ठी हो गई है और फिर उसको फील करना है कि वो यूनिवर्स में रिलीज़ हो रहा है, ओके। अब फिफ्थ में क्या करना है आपको, ग्यारहवां चिन्ह जो है वो जहाँ जहाँ से फैट आपको रिलीज़ करना है वहाँ पर बनाना है, जैसे बैली में मतलब पेट में, और जो घुटने हैं वहाँ पर, सॉरी घुटने नहीं, थाइस पे, आपकी बाजू में है फैट, आपके गालों पे है फैट, जहाँ पर है आप रिलीज़ करना चाहते हैं वहाँ पर बनाएंगे और अफर्मेशन देंगे कि सारी चर्बी जल रही है, जल, ठीक है, अग्नि का सिंबल है वो इसलिए। अब सिक्स स्टेप है, अब सातवां चिन्ह तीसरी आंख और हृदय चक्र पर बनाना है, सातवां चिन्ह हार्ट चक्र और थर्ड आई पे बनाना है। आप वज़न कम करने के लिए सही व्यायाम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये अफर्मेशन, ये सिंबल आपको एक्सरसाइज और जो स्पोर्ट्स का होता है उसके लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपको देना है कि वज़न कम करने के लिए जो सही व्यायाम है वो आप कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे व्यायाम हैं लेकिन उनको जो सूट करता है वो कर रहे हैं। फिर अंत में आपको तीसरी नेत्र पर, थर्ड आई पर सिक्स सिंबल बनाना है, जो ब्लेसिंग सिंबल भी है और डिस्टेंस सिंबल भी है। आपकी इच्छा अब पूरी हो गई है, इस तरह से अफर्मेशन देकर और सेशन को ख़त्म करना है, धन्यवाद करना है। देखिए ग्रेटिट्यूड प्रेयर मैं नहीं बताती हूँ क्योंकि वो सब आपको प्रोसीजर पता है। थैंक यू एवरीवन, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डालिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, रेकी से रिलेटेड, रेकी टिप्स की मेरे 80 के आसपास वीडियो बने हुए हैं, मेरी बुक भी है और मैं सबकी क्वायरीज के जवाब दे रही हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज फ्री भी कराए हुए हैं, आप चेक कीजिए। थैंक यू एवरीवन, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसकी फीस देना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।